मैंने जब अपना करियर शुरू किया था तो मैं मुझे सब बोलते थे यार इसको सिर्फ एक्शन ही आता है, ही जस्ट नोज एक्शन. आई ऑलवेज थिंक अ चेंज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनीबडीज लाइफ. एवरी टाइम एनीबडी ट्राइज टू पुट एन इमेज ऑन मी, आई हैव ऑलवेज जंप टू सम अदर इमेज. To be honest, I have just been myself. Being yourself, that is an extraordinary thing. जहां लोग दौड़ रहे हैं ना वहां अपना दौड़े, अपना अलग एक रास्ता बना लीजिए. अगर कोई नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप अकेले हो जाइए, आप अपना अकेला कुछ करिए, कुछ ना कुछ सही होगा. करियर को मैंने करियर नहीं माना है, मैंने अपना पैशन माना है. और जिस दिन किसी इंसान का काम उसका पैशन बन जाता है, उसके लिए फिर वो आंख बंद करके सारी उम्र भी लगा रहे ना, वहां से कोई उसको हिला नहीं सकता. आई एम वेटिंग टू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड स्टार्ट वर्किंग. जब से मैं पैदा हुआ तब से आज तक ऐसा दिन कभी नहीं गया कि मैंने उगता सूरज नहीं देखा. माई रूटीन स्टार्ट्स एट मॉर्निंग 4 o'clock. यही एक मौका मिलता है एक घंटे का 4 से लेकर 5 बजे तक, क्योंकि मैं जब अकेला रहता हूँ. एंड दैट इज द बेस्ट टाइम व्हेन आई थिंक कि अब मैं क्या करूँगा. अ पर्सन नीड्स एवरी डे एक घंटा तो कम से कम चाहिए खुद के लिए, जो वो सिर्फ सोच सके. उसके बाद 5, 5:15 बजे कसरत शुरू करता हूँ, स्विमिंग करने चला जाता हूँ. 2 घंटे मुझे कहाँ अपने कसरत के लिए चाहिए. आई वर्क 8 hours a day. 8 hours is good enough. But in that 8 hours, I am on the set. I don't move away from the set. I don't go sit in my vanity van. I sleep every day at around 9, 9:30. हमारे यहां मैं देखता हूं कि कितने लोगों को पेट की प्रॉब्लम है, मोटापा है. आप 1 घंटा नहीं दे सकते अपने शरीर को कसरत करने के लिए. 6:30 बजे के बाद खाने की कोई जरूरत नहीं, आपका शरीर नहीं मांगता इतना खाना. देखो आपकी सेहत कहां से कहां पहुंच जाएगी. सिंपल थिंग है, सिंपल. दिस इज ऑल इन योर हैंड्स. योर हेल्थ इज इन योर हैंड्स. योर लाइफ इज इन योर हैंड्स. इट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग. We make it very complicated.